गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ फायर फाइटिंग का। जब हमें जैसे रोड क्रॉसिंग है, देखो रोड क्रॉसिंग है और ये ब्रिज आ रहा है, इधर ब्रिज क्रॉसिंग है, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें हमें अंडरग्राउंड फायर फाइटिंग का जो पाइप है अंडरग्राउंड डालने पड़ते हैं। जैसे ये डाल रखा है, ये अंडरग्राउंड रोड का लेवल से हमें 1200-1250 हमने ये डाउन किया है। उसके एक्सीवेशन करने के बाद हमने एक लेवल करके बराबर इक्वल पाइप बिछाया। फर्स्ट अब देखो रोड क्रॉसिंग इधर की साइड में, रोड से हमें कितना डाउन करना है इस पर ड्राइंग के हिसाब से हमें ये दिखा रखा है कि 1250 हमें डाउन करना है। हमने 1250 डाउन किया है और इस तरीके से हमने लगाया। अभी पाइप लगेंगे जिधर एक्सीवेशन हुआ बड़ा, उधर पाइप लगेंगे, अभी वहाँ से लाइन आगे घूमेगी। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अंडरग्राउंड पाइप लगाते समय हमें क्या ज़रूरी है दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जब लगाते हैं अंडरग्राउंड पाइप तो हमें रैपिंग कोटिंग हमें ज़रूरी है। रैपिंग कोटिंग ऐसी होनी चाहिए, देखो कहीं भी गैप नहीं है, इसको बोलते हैं हम रैपिंग कोटिंग। रैपिंग कोटिंग बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। ये देखो रैपिंग कोटिंग दोनों साइड, ये हमें अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि जब हम अंडरग्राउंड पाइप लगाते हैं, ये होती है हमारी रैपिंग कोटिंग। ये दिक्कत नहीं हो, जब हम पाइप को कनेक्ट करते हैं तो हमें ग्राइंडर से ये घिसना होता है और वी टाइप बन जाता है हमारा। ये घिसना ताकि जब हम वेल्डिंग करते हैं अच्छी तरह में कनेक्ट हो जाए, और दूसरा ये लीकेज ना हो, तो हमें इसका प्रेशर चेक करेंगे कहीं से लीकेज ना हो, इसलिए हम इसको बढ़िया तरीके से हम हैंडल करेंगे। वी शेप बन जाएगा दोनों साइड से, उधर से वो भी लग जाएगा। ये हमारा वी शेप बनने के बाद हमारा वेल्डिंग कनेक्ट होगा। देखो मैं वेल्डिंग दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हम वेल्डिंग करते हैं। बाहर न निकालो युवक अंदर हो। के मारे के कोई मारे के।